तो यार आज IIIT कोटा का मैं एक तरह का रिव्यू करने वाला हूँ। मेरे साथ में रौनक हैं, ये IIIT कोटा के स्टूडेंट हैं। लास्ट ईयर मैंने ही काउंसलिंग की थी, अराउंड 20,000 जनरल रैंक थी। और अभी ये कोटा में IIIT कोटा का तो अभी कैंपस नहीं बना है, करेंटली MNIT जयपुर के अंदर इनकी स्टडी चल रही है। तो एक साल का जो भी इनके पास में एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो रौनक वेलकम है मेरे चैनल पे। तो जो आपके जूनियर हैं, जो अभी इस बार जेई मेंस जिन्होंने दिया है, उनको थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग गोइंग ऑन है, पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन IIIT कोटा कैसा है, अगर कोई बच्चा अगर अभी चॉइस क्लिक कर रहा हो या CSAV राउंड में करेगा, तो उसको कौन से प्रियोरिटी ऑर्डर के बाद में रखना चाहिए, या कैसे किस लेवल पर उसको एग्जिस्टिंग मानते हो आप? IIIT कोटा वन ऑफ द टॉप 10 IIITs में से एक है। ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था PPP मॉडल के अंडर। करेंटली इसका कैंपस MNIT में है, और इसका जो परमानेंट कैंपस है वो अंडर डेवलपमेंट है, और अगस्त तक ये हम लोग को बताया गया है कि शायद से वो डेवलप हो जाएगा, शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि वहाँ की हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी है? सबसे ज़्यादा तो हाईएस्ट पे नज़र रहती है 82 LPA है। तो मुझे लग रहा है कि 82 LPA की वजह से बहुत सारे IIIT कोटा इस बार जाने वाले हैं। तो यार जो भी जाए तो कमेंट जरूर कर देना, है ना, ताकि रौनक को आप ढूंढ लेना जब आप कैंपस जाना, है ना। तो ये आपके सीनियर रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगे। मुझे एक चीज़ और बताओ रौनक, तो जैसे अभी MNIT जयपुर के अंदर रह रहे हो, है ना, वहाँ की मतलब उसका क्या एडवांटेज क्या है वहाँ पे, जिस तरह कैंपस चल रहा है? मतलब इस तरह से बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे जिनके कैंपस चल रहे हैं, है ना, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो पाता, किसी के कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी में फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्या सेम चीज़ IIIT कोटा में या कुछ डिफरेंस है? ऐसा कि हम आप लोग को पता है कि हमारा कैंपस MNIT जयपुर में है, तो हम लोग को वही वैसे ट्रीटमेंट मिलता है जैसे NIT के हर स्टूडेंट को मिलता है। हम लोग को सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, हम लोग को सेम हॉस्टल मिला उनके जैसा, हमारी अकेडमिक बिल्डिंग भी उनके जैसी है, सारी फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से लेके क्लब्स तक हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं। और जो कैंपस है हमारा वो MNIT का, वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें मतलब कि आसपास भी वो एक सिटी में है सेंटर पे, तो आसपास ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब सराउंडिंग अच्छा है, कुछ भी परचेस करना है, घूमने जाना है, है ना, हाँ। कोई भी अपनी नीड की चीज़ लानी है तो आपको इजी वे में मिल जाती है। आप जयपुर में है तो वो, हाँ जयपुर में है ना, पिंक सिटी है तो आपको सारी चीज़ें इजी वे में मिल जाएंगी। हम लोग का मिडिल में ही है, तो हम लोग के आसपास सब चीज़ें हैं, तो हम लोग घूम भी सकते हैं। अभी जैसे प्लेसमेंट सेल क्या कॉमन है दोनों की? नहीं, प्लेसमेंट सेल हमारा अलग है MNIT से 3-4 साल से। अच्छा, और अभी एवरेज प्लेसमेंट कितना जा रहा है? इस साल जो एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है वो अराउंड 18 LPA के करीब है। 18 LPA के अराउंड एवरेज प्लेसमेंट है। दो ब्रांचेज है वहाँ पर, CS और EC। तो लोगों का मानना ये है, जो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भी काउंसलिंग कर रहे होंगे, वो बोलते हैं कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज के अंदर CS मिल जाए, मैं CS ऑप्ट कर लूँगा, लेकिन IIIT के अंदर EC ऑप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उनको EC मिल रहा होता है, CS नहीं मिलता है। तो एक मेजर कंसर्न है, तो क्या EC लेना चाहिए, या आप जैसे अभी मेरे से डिस्कशन चल रहा था, जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी कुछ दिन पहले कि एक और ऊपर के इंस्टीट्यूट में आप EC ऑप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू कहीं, मतलब IIIT कोटा तो फिर भी एक लेवल तक ठीक है, लेकिन लोग इसके भी नीचे भी जाकर CS ले लेते हैं, तो क्या ये चीज़ कितना मतलब वर्किंग है? मेरे ख्याल से EC ऑप्ट कर लेनी चाहिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि जो प्लेसमेंट होती है वो CS और EC वालों की सेम होती है, हम दोनों को सेम कंपनीज आती हैं और हायर कर लेती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक कैरिकुलम वाइज थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है आप, हाँ? मतलब एक तो EC वाला पार्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्लस कोडिंग वाला पढ़ना पड़ेगा, बट जितने भी IIIP मॉडल हैं, मतलब IIIITs हैं मोस्टली, तो उसमें क्या ना कि कोडिंग कल्चर है ही, बिकॉज CS का बच्चा है, IT का है, मैक्स टू मैक्स EC का है, इससे नीचे की ब्रांचेस एग्जिस्ट ही नहीं करती IIIITs में 99%, है ना। तो मुझे थोड़ा सा अपने हॉस्टल के बारे में बताओ, हॉस्टल का खाना वगैरह कैसा है, क्योंकि पहले से हेल्थ बहुत अच्छी हो गई आप। हमारे हॉस्टल का खाना तो मैं बोलना चाहूँगा जो मैस है हमारी, वो वन ऑफ द बेस्ट होगी इंडिया में। हम लोग को 2 टाइम पनीर मिलता है, क्या बात है, और मतलब लोगों को हफ्ते में 2 बार मिलता है। तो आप मुझे लग रहा है कि चाह नहीं रहे हो कि IIIT कोटा में शिफ्ट हो इसी कैंपस में रहे। मतलब हम लोग का तो यही था कि MNIT में काश हम लोग के 4 साल कट जाते तो मजा ही आ जाती, क्योंकि हम लोग को IIIT का स्टूडेंट हो के NIT वाले फीलिंग मिल रही है।
हाँ मतलब सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आपको ट्रिपल आईटी वाला एक्सपोजर तो मिल ही रहा है और एक एनआईटी वाला भी मिल रहा है। और क्या फैकल्टी वगैरह भी कुछ कॉमन है? हाँ हमारी फैकल्टी भी थोड़े टीचर्स हम लोग को एमएनआईटी के पढ़ाते हैं, लेकिन यही है कि जब हमारा नया कैंपस अब बन रहा है तो शिफ्ट होगा तो रिक्रूटमेंट भी हो रही है तो टीचर्स भी बढ़ जाएंगे हमारे। अच्छा, ट्रिपल आई टी कोटा का मेंटरिंग इंस्टीट्यूट एमएनआईटी जयपुर है, तो उसका आशीर्वाद है मुझे लग रहा है जो मिल रहा है। जब तक उनका जो चाइल्डहुड बॉडी है वो डेवलप नहीं हो जाता है तब तक मुझे लग रहा है कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, जैसे ट्रिपल आई टी लखनऊ को किया गया था। ट्रिपल आई टी लखनऊ का मेंटरिंग इंस्टीट्यूट अलाहाबाद है, तो आज के टाइम पे अलाहाबाद के कंपेरेबल मैं बोलूँगा कि उसकी डिमांड है स्टूडेंट के टर्म्स में, मतलब दोनों बच्चे जस्ट अलाहाबाद उसके बाद लखनऊ रख देते हैं। तो एक तो एसी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एसी कहीं अच्छी जगह मिले तो ले लेना चाहिए, बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फीस वगैरह कितनी पे करी थी? मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी फीस 1,27,000 थी और उसके बाद हम लोग को 1,04,000 करनी थी। अच्छा, पर सेमेस्टर रहेगा, अब ये तो फिक्स होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगेगा भी नहीं। हॉस्टल का कितना पे किया था? हॉस्टल का हम लोग को फर्स्ट ईयर 45,000 करना था, जिसमें से शायद से 15,000 रिफंडेबल था। ओके, और उसके बाद 32,000। मुझे एक चीज़ और बताओ कि जैसे अभी काउंसलिंग गोइंग ऑन है, ये दो ट्रिपल आई टी कोटा की बात हो गई, मतलब मुझे लग रहा है कि न्यू अपकमिंग हाईएस्ट प्लेसमेंट वाला ट्रिपल आई टी बन सकता है नॉर्थ इंडिया में, अगर हम कंपेरिजन करें कि जैसे लखनऊ बन गया है इस तरह से अपकमिंग में ट्रिपल आई टी कोटा है। बिकॉज ट्रिपल आई टी कोटा के बाद ही लोग सोनीपत में जाते हैं, उसके बाद ही लोग भोपाल के लिए मूव ऑन करते हैं या भागलपुर के लिए, तो और नीचे आप चले जाओ, है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे अभी जोसा की काउंसलिंग गोइंग ऑन है, तो जोसा की काउंसलिंग में जैसे आपने मेरे यहाँ से काउंसलिंग कराई थी तो उसमें क्या हेल्प मिली थी यहाँ से, या मतलब बच्चों को करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? अगर वो सेल्फ भी कर रहे हैं तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ों को फोकस रखना चाहिए? मैंने अपना JEE 2022 में दिया था तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा निकल जाएगा, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ज़्यादा थी नहीं। जब मैं पेपर दे के आया था मुझे ऐसा लगा था कि मेरा नहीं निकलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं भी शॉक हो गया था। तो अब वही था, कन्फ्यूज़न थी काफ़ी। मैंने यूट्यूब में रिसर्च करी तो मुझे आपका चैनल पता चल गया था। मैं कानपुर से ही हूँ तो मैंने सोचा कि ऑफिस विजिट करके ज़्यादा सही रहेगा, तो वही था, कन्फ्यूज़न बहुत थी मुझे, लेकिन सर ने पूरी कन्फ्यूज़न क्लियर करी, सारे स्टेप्स बताए कैसे क्या करना। 1190 जयपुर में भी इनकी अलॉटमेंट आ गई थी, है ना, देखो वो भी कन्फ्यूजन था। उसके बाद में ट्रिपल आई टी कोटा से पहले आई थिंक कुछ और भी मिला हुआ था, है ना, तो वो बस चेंज होकर ट्रिपल आई टी कोटा आया था। हाँ, मुझे फर्स्ट राउंड में ट्रिपल आई टी सोनीपत में CSE मिली थी। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं काउंसलिंग के टाइम पे कि मुझे लगता है स्टूडेंट को एक बड़ी परफेक्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। जो मैंने एक साल पहले इनको बोला था कि अगर कहीं पे अच्छी जगह ECE भी मिले तो उसको ऑप्ट कर लो, हालांकि इन्होंने CS ली हुई थी जिद करके, है ना, लेकिन फिर भी ECE, अब इनका कहना ये कि सर अगर इससे और कहीं बेटर जगह मेरे को ECE मिल रहा होता तो मैं उसको ऑप्ट कर लेता, बिकॉज मैं थोड़ी सी मेहनत करके किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में रह सकता था। और ट्रिपल आई टी कोटा में लगभग कितने ओपनिंग रैंक तक के बच्चे मिल जाते हैं? हमारे इस बैच में इस बार 15,000 से ओपनिंग हुई है, रैंक ओपनर। ओके, ग्रेट, मतलब 15,000 रैंक का बच्चा आपको ट्रिपल आई टी कोटा के अंदर मिल जाएगा, सियारल रैंक का बच्चा। तो आप कितनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो? अभी तो हमारे सेकंड सेमेस्टर में DSA है और DSA ही मेन रहता है प्लेसमेंट के लिए, तो वही हम लोग को पूरा ही पढ़ना है। तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए कि हम लोग को सेकंड सेमेस्टर में ही DSA पढ़ाया जा रहा है, जिससे हम लोग एक अहेड रहेंगे बाकी कॉलेज के। अच्छा, अभी क्या क्या सीख रखे हैं? अभी तो वही हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में C लैंग्वेज सिखाई गई थी और हम लोगों ने अपने आप से ही C++, जावा ये सब सीख लिया। अच्छा, इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट करता है कोडिंग वगैरह में? जैसे लोग बोलते हैं तो सी कोडिंग कल्चर वाला इन्वायरमेंट है, वो है यहाँ पे? हाँ, बहुत है हमारे। मतलब क्या इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, मतलब कैसे इम्पैक्ट कैसे करता है ये? अब जैसे ये आसपास के बच्चे, अगर आपके रूममेट्स आपके आसपास के लोग कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको भी अंदर से मोटिवेशन आएगा कोडिंग करने का, कोई डाउट होगा तो अपने रूममेट से अपने नेबर से पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा एक चीज़ और लगती है कि जैसे बहुत सारे बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, किसी विलेज से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कोडिंग सिर्फ सुना होता है पहली बार, तो उनके माइंड में एक पूरा कम्प्लीटली फ्रेम नहीं होता कि हमको कैसे करनी है, ये क्या चीज़ है। जैसे ये चीज़ मेरे साथ में भी थी जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, कि एक दो बार में तो चीज़ समझ में नहीं आती थी जल्दी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको फ्रेम करना है चीज़ों को और थोड़ा सा समझना है तो इन्वायरमेंट में डिप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपके सराउंडिंग में चीज़ें चल रही होती है तो आपके अंदर थोड़ा बहुत एक्सपोजर होकर आ ही जाता है, तो ये एक तरह का एक अच्छा एक्सपोजर होता है। तो आप लोग भी अगर जाते हो कहीं किसी कॉलेज में, तो जिस भी आप ब्रांच में जाओ तो आपके एक मेजरली ऑफ फोकस ये रहना चाहिए
कि आप कोडिंग में फोकस करो, है ना, एनवायरनमेंट से थोड़ा सा सीखो, अपने आप ग्रो अप करो। तो रौनक, कुछ इनको सजेशन दोगे जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे, बिकॉज आज ही मैं काउंसलिंग कर रहा था तो उसको मैंने IIIT कोटा ऑप्शन दिया हुआ था। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि IIIT कोटा भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये IIIT वन ऑफ द टॉप IIITs में से एक होगा, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आइए, मैं हम लोग सीनियर्स हैं, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरा गाइडेंस देंगे, कोई भी डाउट होगा, हमारे सीनियर्स ने भी हम लोग को सपोर्ट किया था, और हम भी ऐसा सीनियर, हम भी अपने जूनियर को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच रौनक, आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे स्टूडेंट के लिए।